कल दिनांक 31 जनवरी 2023 मंगलवार को शाम 5 बजे से पुराना कलेक्ट्रेट परिसर कर्मचारी कार्यालय पर प्रांतीय सचिव रणवीर सिंह कुशवाहा व सेवा निवृत्त शिक्षक शासकीय प्राथमिक विद्यालय चीलखेड़ा गुना की विधाई व सम्मान समारोह का आयोजन। मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी गुना चंद्रशेखर सिसोदिया, संरक्षक जैनेन्द्र कुमार जैन, रमेश खरे, डॉक्टर बी एन कश्यप के आतिथ्य में व सेवानिवृत्त शिक्षक रणवीर सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में सरस्वती पूजन व वंदना कार्यक्रम का इसका शुभारंभ किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सुनील रघुवंशी ने बताया कि सबसे पहले कार्यक्रम का संचालन कर रहे जिला प्रवक्ता रत्नेश नामदेव के द्वारा कुशवाहा जी के जीवन परिचय व सेवा वृत्तांत सुनाया गया। बताया कि कुशवाहा जी की 38 वर्ष की शासकीय सेवा में कभी भी उन्हें कारण बताओ सूचना पत्र प्राप्त नहीं हुआ। उनकी सेवा निष्ठापूर्ण व निर्विवाद रही। कुशवाहा के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय कुशव रत्न से समाज के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। इसी क्रम में कुशवाहा जी का तिलक लगाकर साफा बांधकर माला शॉल से सम्मानित किया गया और जिला अध्यक्ष प्रमोद रघुवंशी के द्वारा मंच से शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कहा कि यदि सभी शिक्षक अपने अपने विद्यालय में कुशवाहा जी जैसा कार्य करें तो वो समाज व शिक्षा जगत में हर जगह सम्मानित होते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी गुना चंद्रशेखर सिसोदिया के द्वारा शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कहा कि सभी शिक्षक अपने अपने क्षेत्र में श्री कुशवाहा जैसे निष्ठापूर्ण व निर्विरोध दायित्व का निर्वहन करते हुए मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। संरक्षक जैनेन्द्र कुमार जैन के द्वारा शुभकामना प्रेषित करते हुए कहा कि ये दौर खत्म हुआ तो क्या हुआ, एक नए दौर की शुरुआत होगी। सभी लोगों के सहयोग से एक कार हुआ और बंधुओं एक साल में दो दो क्रमान्ति निकला। आज तक कभी मैंने नहीं देखा था कि एक साल में दो दो बार क्रमान्ति निकले। इसका श्रेय आप सबको जाता है और इसी तरह शिक्षकों को दो दो तीन तीन साल से एरियस पड़े हुए थे, वेतन विनती के एरिया डीए एरियस, और आज तक उठा के देख लो जो कभी भी शिक्षा विभाग में जो कि आज तक कभी भी इतने निराकरण नहीं हुआ जो मान प्रमोद रघुवंशी के नेतृत्व में हुआ है। बंधुओं मैंने 33 साल की सर्विस की